महाराष्ट्र में एक महीने तक चली उठापटक के बाद आखिरकार शिवसेना रांकापा कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये पहला मौका है जब कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन हुआ है, लेकिन 1966 में बनी शिवसेना के 53 साल के इतिहास में 5 बड़े मौके आए जब दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का समर्थन किया। वैभव पुरंदे की किताब बाल ठाकरे एंड द राइज ऑफ शिवसेना में लिखा है कि शिवसेना की पहली चुनावी रैली में उस समय के बड़े कांग्रेस नेता रहे रामा राव आदि भी शामिल हुए हैं। रामा राव और ठाकरे पुराने दोस्त थे। किताब के मुताबिक ठाकरे ने उस समय कांग्रेस शिवसेना गठबंधन पर कहा भी था कि हम कम्युनिटी को हराने के लिए साथ आ रहे हैं। वहीं अप्रैल 2004 में सुहास पाल शिकार ने शिवसेना अ टाइगर विथ मेनी फेसेस में इस बात का जिक्र किया था। राजनीतिक विश्लेषक उदय तान पाठक बताते हैं कि 1966 में बाल ठाकरे ने शिवसेना नाम से पार्टी बनाई थी और उनको महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक का समर्थन हासिल था, जिस वजह से शिवसेना को वसंत सेना कहा जाने लगा। तान पाठक बताते हैं कि 1971 में शिवसेना ने अपना पहला चुनाव के काम काज कांग्रेस सिंडिकेट के साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि बाद में इंदिरा वाली कांग्रेस का गुट ही कांग्रेस के रूप में अस्तित्व में आया। बाल ठाकरे इन द राइस ऑफ शिवसेना में लिखा है कि बाल ठाकरे ही ऐसे नेता थे जिन्होंने खुलकर इमरजेंसी का समर्थन किया था। ठाकरे तो यह तक कहते थे कि मैं लोकशाही नहीं बल्कि ठोकशाही पर विश्वास रखता हूँ। थॉमस हेनसेन की लिखी किताब वेजेस ऑफ वायलेंस नेमिंग एंड आइडेंटिटी की इन पॉलिटिकल बॉम्बे के मुताबिक ठाकरे ने आपातकाल का समर्थन करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल इसलिए लगाया क्योंकि देश में फैली अस्थिरता से निपटने का यही एकमात्र उपाय है। वैभव पुरंदे की किताब के अनुसार 1977 में बाला साहब ने बीएमसी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मुरली देवड़ा का समर्थन किया था। उसी साल हुए आम चुनाव में शिव सैनिकों ने कांग्रेस का प्रचार किया था। 1980 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त कर दिया और यहां दोबारा चुनाव कराए। इन दौरान चुनावों में कांग्रेस ने अब्दुल रहमान अंतुले को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया था। अंतुले और ठाकरे अच्छे दोस्त थे, इसलिए ठाकरे ने चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और कांग्रेस का समर्थन किया। शिवसेना और कांग्रेस की दोस्ती राष्ट्रपति चुनाव में ही साफ दिख चुकी थी। 2007 में शिवसेना ने एनडीए समर्थित भैरव सिंह शेखावत की जगह यूपीए की उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया। इसी तरह से 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने यूपीए के प्रणब मुखर्जी का भी समर्थन किया था। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद प्रणब मुखर्जी बाल ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री भी गए थे। बाल ठाकरे के ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि शरद पवार से भी अच्छे संबंध रहे हैं। पवार से तो उनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि ठाकरे ने उनकी बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा था। दरअसल सितंबर 2006 में शरद पवार की बेटी सुप्रिया ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा ऑन माय टर्म में लिखा है कि बाल ठाकरे ने उन्हें फोन किया और बोले, मैं सुन रहा हूँ कि सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही है और आपने मुझे बताया नहीं, मुझे यह खबर दूसरों से क्यों मिल रही है। इस पर पवार ने उनसे कहा, शिवसेना भाजपा गठबंधन ने पहले ही उसके खिलाफ अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसके बाद ठाकरे ने उनसे कहा कि मेरा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ नहीं लड़ेगा, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। तो पवार ने कहा, भाजपा का क्या करेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि कमला बाई की चिंता मत करो, वो वही करेगा जो मैं कहूंगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।